हाय फ्रेंड्स मैं जानता हूँ आप बहुत बोर हो चुके हैं, आप थक चुके हैं और आपको अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं रहा। कितना देखेंगे आप सोशल नेटवर्क, कितना देखेंगे आप नेटफ्लिक्स? आपको तो अभी घर के बाहर जाना है, घूमना है, मज़े करने हैं, अपने दोस्तों से मिलना है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, मगर अभी क्या करें, मजबूरी है ना। अब मजबूरी है तो फिर चलो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ बातें करते रहेंगे। अब देखिए ना, कल तो मैंने बता दिया कि कैसे हमारे सुपरस्टार बिग बॉस के जो 13 के हैं, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम और पारस, ये सब कैसे कैसे अपनी फिल्में बना सकते हैं और कौन से हीरो तो मैच हो। तो क्या हमारी लड़कियां अभी पीछे रह गई क्या? उनका क्या होगा? क्या उनको हम भूल गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मगर जब हम अपने बिग बॉस की गर्ल्स के बारे में बात करते तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में यस्टरयर्स की हीरोइन ज्यादा आती है, प्रेजेंट डे की हीरोइन आती नहीं है। शायद मैं कुछ अभी तक मैच नहीं कर सका। क्या होता था पहले फिल्मों में ना, हीरोइंस के रोल्स बहुत अच्छे होते थे, तो वो स्टेप मतलब वो उनका जो किरदार होता है ना, वो डिफाइंड होता था, बहुत क्लियर कट डिफाइंड होता था। तो चलो लेट्स बिगिन विद शहनाज। शहनाज को देखते तो क्या याद आता है, तो शहनाज को देखते तो हमें तो पहले बसंती याद आ जाती है, शो लेके चल बसंती, वो उस टाइप की याद आ जाती है। तो आप समझ गए ना, बसंती या चालबाज की श्रीदेवी याद आ जाती है, या हवा हवाई वो आ सकती है। तो ये सब चीजें आप देखते हो शहनाज को, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसको उस लेवल पे ग्रूम कर दिया जा सकता है कि वैसी हो आ सकती है। अब जब रश्मि के बारे में बात करें तो रश्मि ने बहुत अच्छी अच्छी सीरियल्स किए जिसमें वो भाभी बनी है और एक वाइफ बनी है, जिनने काफी कुछ दुख और उनके अंदर वो सेंटिमेंट्स और वो सब है जो बेसिकली आजकल के टेलीविजन स्टार्स में इतने बड़े इमोशन डिपिक करने वाली रश्मि से अच्छी कोई नहीं। तो रश्मि को जब देखते हैं तो फिर हमें याद आ जाती है शर्मिला टैगोर ऑफ आराधना, हाँ शर्मिला टैगोर अमर प्रेम। तो शायद ऐसे रोल भी फिर फिट हो सके, ऐसी कोई फिल्में बने तो ये भी आ सकती है, रश्मि भी ऐसे रोल पे आ सकती है। फिलहाल तो वो नागिन कर रही हैं, तो नगीना भी हो सकता है अगर नागिन के रोल में, तो बहुत सक्सेसफुल होंगी क्योंकि नागिन अब सुपरहिट हो जाने वाला है जस्ट बिकॉज रश्मि डिसाइन इज इन देयर। जब आप मायरा की बात करते हो, थोड़ा बहुत परवीन बाबी की झलक आती है तो डॉन और इस फिल्मों में, दीवार भी फिल्म थी जिसपे, और नमक हलाल, ये सब फिल्में थी जिसपे उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था। तो आई थिंक शी डू वेरी गुड इन दैट फिल्म। एंड फिर आ जाते हैं, हाँ जब आरती की बात आती है तो मुझे एक पिक्चर आ जाती है दो रास्ते, उसमें बिंदुक थी, बिंदुक हीरोइन थी एक्चुअली फिल्म की, क्योंकि वह फिल्म में मुमताज तो थी मगर जो ज्यादा काम था फिल्म में वो बिंदु का था, बिकॉज शी वॉज द सीन स्टीलर ऑफ दैट फिल्म। आरती ऐसे रोल बड़े कमाल की कर सकती है, वी हैव दैट गर्ल परफेक्ट इन दोज रोल्स। तो ऐसे देखा जाए तो, और फिर आ जाती डेवोलीना, डेवोलीना भी बहुत अच्छे, वो भाग्यश्री का कुछ याद दिलाती, तो उनके जो रोल्स उन्होंने किए वो भाग्यश्री टाइप हो सकते हैं। तो आई थिंक ऑल हिम मिलके ये जब जितनी भी गर्ल्स थी हमारे बिग बॉस, जैसे बॉयज का क्लैन भी बहुत अच्छा था, सब बॉयज के लिए, वैसे गर्ल्स का क्लैन भी काफी अच्छा और टैलेंटेड था। तो फिलहाल तो सिर्फ टैलेंट की बात की जा रही है, एंड बिकॉज ऑफ द टैलेंट यू कैन से कि ये लड़कियां अपने टैलेंट के हिसाब से काफी आगे जा सकती हैं, क्योंकि टीवी के सब मशहूर हीरोइंस हैं एक्सेप्ट शहनाज एंड मायरा, मगर दोनों को ग्रूम करने की जरूरत है, वो वैसी टैलेंटेड है और वो बन जाएंगी। तो चलो ये अपने बात हो गई हमारे यंग, हमारे बिग बॉस 13 की गर्ल्स कहां से कहां जाएंगी। तो लेट्स सी विच फिल्म में उनको कौन कौन सी मिलती है, कहां कहां उनकी तरक्की होती है। फिलहाल गाना रुक तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रुक तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। मैं
मुझे नशे में सारा जहां है, रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। बेचैन होके तूफान जैसे, आंखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान जैसे, मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। हमको जमाना दूर ही रहना पास ना आना, रुक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास ना आना, ऐसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।